Okay, we are ready to go. Good morning, guys. A very happy morning to you all, and welcome back to my YouTube channel. This is me, Shivali again, and आज जो मैं आपको मतलब जो मेरी वीडियो का पर्पस है वो एक ऑनलाइन शॉपिंग हॉल है. तो मैंने एक वेबसाइट ने एक ऐप से किया था, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या आइटम्स उससे परचेज़ की थी. आज सिंपल वीडियो रखेंगे हम, ज़्यादा इधर उधर ना जाते हुए सिंपल बताऊंगी मैं आपको कि मैंने क्या ख़रीदा था और मेरी बेस्ट परचेजेस विद ऑल द डिस्काउंट जो भी थी मतलब उस ऐप से. तो वैसे आज दिल्ली का मौसम आपको पता ही है, बाल धुले हुए हैं लेकिन कोई पता नहीं लग रहा है क्योंकि इतनी धूल है दिल्ली में. आप ध्यान रखो दिल्ली में भी, दिल्ली वालों और जो दिल्ली के बाहर हैं, जो हिमाचल में हैं वो तो इस वक्त परफेक्ट हैं. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गो बैक टू माई होम, बट अभी टाइम ज़्यादा है. अभी थोड़े दिनों बाद क्या क्या पता, महीने दो महीने बाद जाऊँ, कोई आइडिया नहीं है. इसलिए यू नो आई एम डाइंग टू ब्रीथ हिमाचल एयर. जो हमारी इन्वायरमेंट है ना, इट्स अ ब्लिस. तो विदाउट एनी मोर गॉसिप एंड डिस्कशन, हियर वी गो. मैं इतनी एक्साइटेड थी जैसे ही पार्सल आया था, मैंने एकदम से बुरी हालत उसको फाड़ के साइड में रख दिया. मतलब मैंने 4-5 आइटम्स मंगवाई थी भाई. एक आइटम जो है वो 2 दिन पहले डिलीवर हो गई थी और जो बाकी 4 आइटम है वो अभी आई हैं. तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने फाड़ के रखा है जिसको, मैं साइड में रखती हूँ. एंड ऑल्सो लेट मी सिट कम्फर्टेबली. बस नाउ वी आर गोना शो यू. फर्स्ट चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी वो थी डेनिम. इट्स सो कूल, मतलब कलर शेड्स हैं. ऊपर से यहाँ से हल्की सी मतलब फ्रंट पोर्शन जो पॉकेट का होता है ना वो एकदम थोड़ा रग्ड सा है और पीछे से भी हल्का सा डिस्टोर्टेड सा रखा हुआ है, मतलब यू नो फंकी लुक के लिए. एंड दिस इज साइज 32 लार्ज. आई मीन अर्बेनिक पे साइज ऐसे नहीं आते हैं, मतलब लार्ज XL मीडियम में आते हैं, तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ. बहुत अच्छा डेनिम है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है. इवन कलर शेड्स, मुझे कलर ही बहुत पसंद आया था. मेरे पास एक्चुअली पिंक वाइट सब में जीन्स है मेरे पास, लेवेंडर लाइलैक सब में, लेकिन मुझे चाहिए था कुछ कलर कॉम्बिनेशन मिक्स, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया. बाकी और भी थे जैसे कि ग्रीन में कुछ क्रेयॉन, यू नो आर्ट एंड क्राफ्ट टाइप वो कुछ था मतलब ग्रीन में भी, बट मुझे ग्रीन परचेज नहीं करना था. तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी, ब्राउन प्लस जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं ना उसको, सलेट का रंग जो होता है मुझे नहीं पता, हल्का सा इसमें वाइट शेडिंग भी है. और ऑन एंड ऑफ इट्स अ यू नो गुड परचेज, आई एम फाइन बाइंग इट. और रही बात प्राइस की, तो इसका ओरिजिनल प्राइस है 1600, बट मुझे ये डिस्काउंट करके कितने की पड़ी थी, मतलब मेरे पास ऑफर बहुत थे और एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे, उनके कोड को डाल के आपको 25% ऑफ मिल रहा था, वो भी मतलब 1500 रुपीज़ की परचेज के ऊपर. तो ऊपर से मैंने डिलीवरी चार्जेस भी कट कर दिए, तो मेरे 100 रुपीज़ मेरे वैसे बच गए, तो मुझे लगभग 800 और 850 की पड़ी है ये ड्रेस, आई मीन जीन्स. तो फॉर मी जीन्स वो भी कलर पैटर्न में इतने की मिल जाए, बेस्ट वन आई मस्ट से. दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है मेरे फ़ोन का कवर. यू नो आई लव दीज प्रिंट्स, एंड सबसे अच्छी बात है इसमें आई डोंट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड, बट खोल के देखते हैं. कवर तो बहुत प्यारा है कवर, और उसके साथ में आई थिंक यहाँ पे टाई करने के लिए है, ये तो काफ़ी फैंसीज आए, मैंने कभी ऐसा लिया नहीं है. सो अब मुझे देखना पड़ेगा इसको मैं कैसे टाई करूँगी, बट ये फ़ोन के कवर में मतलब ऐसे आएगा साइड में. मैं ट्राई करती हूँ कुछ करके ऐसे आएगा. तो ये बटरफ्लाई पिंक प्रिंट में मेरे पास बहुत कवर है, मुझे मतलब
अच्छे कवर हैं बट मुझे ऐसा ऐसा लेना था कुछ, यू नो। ये था 290 का इंक्लूडिंग दिस, बट जब कंबाइंड प्रोडक्ट पे ऑफर लगा तो ये 207 और 6 का हो गया था, जो कि मेरे लिए फिर अच्छी परचेज है। क्योंकि अगर मैं एक बार सरोजनी जब गई थी, मैं कवर पूछ रही थी, तो सरोजनी में भी कवर 250-200 के होते हैं, और मतलब आपको जैसा आपको चाहिए वैसा क्या तो आपको मिले या ना मिले। क्योंकि एक बार जब मैं गई थी लकी के साथ, फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, तो वहाँ पे जैसे मुझे चाहिए था वो पैटर्न उनके पास था, यूँ साफ मना किया कि नहीं है मैडम। तो फिर मैंने कहा चलो ऑनलाइन ले लेते हैं, हैवी वाइट कवर तो अच्छा है, सब करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट परचेज, वो है निपल पेस्टीज। अब ये मैंने अर्बेनिक से क्यों मंगवाई, क्योंकि अमेजोन पे भी इनका प्राइस 200-300 इतना रह रहा था सिंगल का, बट मुझे अर्बेनिक पे टू सेट मिले हैं, एक थोड़ा फ्लावर शेप में है और एक प्लेन राउंड शेप में, और डिस्काउंट को ऐड करके ये भी मुझे 200 का पड़ा है। तो मतलब अगर 200 में मेरे दो सेट आए हैं ना, देन आई थिंक इट्स अ गुड परचेज, और ये बहुत अच्छा है। लाइक अगर आप पानी से भी इसको करेंगे तो भी अच्छा है, और स्टिक कर रहा है अच्छे से। तो ऑन एंड ऑफ ये भी ठीक ही है ना, जो सस्ता मिल जाए वो ठीक है। और बीच बीच में मेरी वीडियोस में मुझे इंटरेक्शंस यू नो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आई कांटेक्ट बनाना, क्योंकि मैं बहुत यहाँ वहाँ देखती हूँ। ओके, थर्ड आइटम, उसको मैंने तो हैंग भी कर दिया था अपने क्लोजेट में, तो गिर भी गई, सॉरी, उसको मैं अच्छे से निकालती। थ्रेड ही बड़े हैं इसमें तो, ओ आधे थ्रेड मेरे निकल गए, रुको, कैसे था मतलब, वेट, मुझे नहीं पता ये ऑन एंड ऑफ कैसे काम करेगा, बट हेयर इज द लुक। ये सैटिन में है, बहुत अच्छा इसका प्रिंट है, क्योंकि रेड ये सब बहुत कॉमन हो गए हैं, और मुझे चाहिए था थोड़ा यू नो प्रिंट में। अभी लाइट ज़्यादा पड़ रही है इसलिए आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ज़्यादा पड़ रही है लाइट फिर से। ओके, दूर से दिखाओ। ये नी लेंथ से ऊपर की ड्रेस है, बहुत शीक, बहुत सेक्सी। इसका बैक कुछ इस तरह से रहेगा, यू नो आपको मतलब टाई करना पड़ेगा। तो ये भी राउंड अबाउट 1200 की थी, और वैसे मुझे लग रहा है कि अगर आपको अमेजोन में इस तरह से भी परचेज़ करनी है, तो वहाँ पे भी आपको सॉलिड रेड, सॉलिड सैटिन, मतलब ग्रे में या शैम्पेन कलर में आपको मिल जाएंगी। लेकिन बात वही है कि अगर आपको सेम प्राइस में दोनों जगह, क्योंकि अर्बेनिक जो है वो मिंत्रा अमेजोन से थोड़े कॉस्टली है, तो अगर आपको अर्बेनिक में और मिंत्रा में आप ले रहे हो, सेम रेट पे ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको अर्बेनिक से लेनी चाहिए। दूसरा कि अर्बेनिक वाले 1000 पे 100 रुपीज़ ऑफ, 2000 पे 200 ऑफ, समथिंग ऐसे करके ऑफर्स देते रहते हैं। तो ये मैं बहुत जल्द पहनने वाली हूँ, क्योंकि हम बहुत जल्द कहीं जाने वाले हैं, हमारी टिकट्स वगैरह सब बुक हो गई हैं, एंड होपफुली इस बार हम, क्योंकि हम ना लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हमारी एनिवर्सरी पे करवा चौथ था, तो हम कुछ नहीं प्लान कर पाए थे, इसलिए हमने सिंपल डिनर रखा था, और उसके बाद हम सिक्किम गए थे, मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। तो सेकेंड एनिवर्सरी के लिए स्टिल, इस बार दिवाली आ गई, तो हमने मतलब दिसंबर मंथ ना हमारा फेवरेट मंथ रख लो ट्रैवल करने के लिए, तो हम कभी भी अगर कोई ट्रैवल रखना हो तो हम दिसंबर में ही रखते हैं, तो इसीलिए दिसंबर में हम जाने वाले हैं। ओके, कहीं ना कहीं जाने वाले हैं मतलब, श्योर। ये हो गई चार आइटम, और एक आइटम जो पहले आ गई थी वो है एक, यू नो आजकल ज़ारा प्रिंट्स बहुत चले हुए हैं, ज़ारा के प्लेन यू नो सॉलिड कलर्स में, पिंक ग्रीन वगैरह में, तो मुझे कुछ वैसी ही ड्रेस जो है अर्बेनिक पे दिखी थी, तो वो मैं अपने क्लोजेट से लेके आती हूँ, मैं बुलाना भूल गई हूँ, तो टिल देन यही, और वो ये है पिंक सॉलिड कलर में,
बहुत ही फ्लेयर वाली, मतलब बहुत प्यारी है यार। जब ये आई थी ना, मेरा मन कर रहा था मैं तभी पहन के इसको वीडियो बना लूँ, नाच लूँ, बट चलो हम बहुत जल्दी सब ड्रेसेस सब कपड़े पहनने वाले हैं। दूसरा, मैंने ये अर्बेनिक से क्यों ली, बिकॉज़ जब मैं भाभी के साथ गई थी ना, मतलब सरोजनी लाजपत जहाँ भी, तो वहाँ पे मुझे चाहिए था एक सॉलिड कलर में, लाइक लाउंज वेयर ड्रेस ना। लेकिन सरोजनी के तो मतलब प्राइस ही बहुत हाई है, और दूसरा कि कपड़े की क्वालिटी, मतलब बीच होता है ना कि बीच में थोड़ा सा ख़राब होता है, तो कुछ वैसे कपड़े थे। बट फिर मेरा मन नहीं किया पैसे उधर पे वेस्ट करने का, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने अर्बेनिक पे ढूंढा, तो अर्बेनिक पे मुझे सॉलिड कलर मिल गया। एक्चुअली ग्रीन कलर में भी है, बट वो अभी ड्रेस मेरी आएगी ग्रीन कलर में भी, मतलब ऐसे पैटर्न में नहीं है, ये फ्लोरल में है। ग्रीन कलर की जो है वो बहुत ही यू नो, नहीं पता मुझ पे वो कैसी लगेगी, मैंने आंखें बंद करके वो मंगवा ली है। बट जिस मॉडल ने वो पहनी हुई थी उस पर इतनी मस्त लग रही थी, मैंने भाभी से शेयर भी की थी वो फ़ोटो, और भाभी को भी वही पसंद आई थी, तो फिर भाभी की रजामंदी पे हमने भी लाइक कर दिया और हमने वो ड्रेस मंगवा ली। तो वैसे मैं लक्की के लिए भी मंगवाती रहती हूँ चीज़ें, आप ये मत सोचना कि मैं खुद के लिए मंगवाती हूँ, मतलब मंगवाती सारी ऑनलाइन, अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अर्बेनिक, H&M और ये सब मैं ही हूँ, लेकिन मेरे ही अकाउंट से, मतलब शिवाली राणा से ही लक्की के भी आते हैं, क्योंकि लक्की को खुद टाइम नहीं होता और इतना इंटरेस्ट भी नहीं है शॉपिंग का। मतलब लक्की का कहना है कि शादी के पहले करता था मैं शॉपिंग, अब नहीं करता हूँ, तो लक्की के हिस्से की शॉपिंग मैं कर लेती हूँ। और मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ इसलिए आई एम सॉरी। तो ये है मेरी एक और ड्रेस जो मैं पहनने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो अभी अर्बेनिक की मेरी ये 5 आइटम थी, और मेरा ये व्लॉग जो था वो इसीलिए था बिकॉज़ मैंने कभी ना ये हॉल किया नहीं है कि मैंने क्या लिया, और मुझे मतलब वो एक्सपीरियंस करना था कि हॉल वीडियो बनाने में कैसे फील होता है, आप कैसे कंटिन्यूटी में बोल पाते हो, यू नो आपको कपड़े की भी तारीफ करनी है, उसको रिव्यू करना है, कैसा कलर है, कैसा क्या नहीं है, आपको सब बताना होता है। तो मेरा मन था हॉल वीडियो करने का, मतलब अभी ख्याल आया था, जैसे ऑर्डर आया ना वैसे ख्याल आया, वरना अदरवाइज़ मैं पहन के इसको इंस्टा पर डाल देती, ड्रेस फ्रॉम अर्बेनिक और वट एवर फ्रॉम अर्बेनिक। बट अब लग रहा है हॉल वीडियो अच्छी होती है, इतनी बुरी नहीं होती है ना। तो आपको मेरी ड्रेसेस कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ देखते रहो, प्यार देते रहो। ऐसे कहना है अब 5-6 वीडियोज़ बनाने के बाद या ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के बाद थोड़ा आई कॉन्टैक्ट भी ठीक हो गया है मेरे, मुझे लगता है। तो आप अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देते रहो, मुझे बताते रहो मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है क्या नहीं करनी है, और मैं उस पर काम करूँगी और नई नई वीडियोज़ बनाती रहूँगी। सो टिल देन, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। आप क्या, आप अच्छी खबरें सुने, यू नो, और आप खुश रहें।